मेरे क्लाइंट के हस्बैंड ने उसको काफी मारा पीटा और ऐसे हालत में भेजे आदमरी हालत में और जब घर ले जाते हैं ना तो मारता पीटता है। एक एडवोकेट के असिस्टेंट अदनान शेख का कुछ लोगों ने किडनैप किया और रात भर उसकी बेरहमी से पिटाई की है। ये पूरा मामला थाने से सटे भिमंडी शहर का है। जानकारी के मुताबिक एक पीड़ित महिला की कानूनी प्रोसेस में एडवोकेट के असिस्टेंट अदनान शेख मदद कर रहे थे और इसी वजह से कुछ लोगों ने अदनान शेख की रात के समय किडनैप किया और एक सुनसान जगह पर ले जाकर इसे बेरहमी से पिटाई की है। अदनान शेख की जिस तरह से पिटाई की गई है हालत काफ़ी गंभीर है और उसे भिवंडी शहर के IGM हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है जहां इलाज चल रहा है। इस पूरे मामले में अदनान शेख के परिवार और पीड़ित महिला जिसका अदनान शेख कानूनी प्रोसेस में मदद करते थे इस पूरे मामले को लेकर क्या पूरी जानकारी दी है आपको सुनाते हैं। इसके बारे में बताएंगे क्या हुआ आपकी बच्ची के साथ में? सर 3 बजे मेरा दरवाजा लॉक किया वो बंदे ने और उसको लेके गया मैटर है बोल के। मैं पूछी भी क्या बात है बोले मेरा 3 बजे। हाँ रात के 3 बजे। आजकल कभी? आज कल रात में वो सोया हुआ था और उसको उठाया तो मन इनमें से जगाई उसको तो बोले मैटर है मेरा दोस्त फंसा है शांतिनगर पुलिस चौकी में तो जल्दी से आ जा। तो बोले इतनी रात में बेटा तो बोले नहीं आंटी बोले मम्मी अब भी लेकर आ जाऊँगा। उसके बाद से सुबह 11 बजे तक बच्चे को भेजे नहीं सर और ऐसे हालत में भेजे आदमरी हालत में उसके इतना मारे टॉर्चर के। मेरा नाम अदनान महबूब शेख मेरे बच्चे का नाम उसका नाम नवीद वो लड़के का नाम नवीद है। मैं वाजा मोहल्ले में रहती हूँ। हाँ नीचे वो लोग कार खड़ी थी कार में लेके। पहले भी कुछ घटना हुई थी? नहीं ऐसी घटना कभी नहीं। मामला क्या है? वो उसकी वाइफ को डिवोर्स लेने का था उसका मैटर है मैडम के पास है और मेरा बच्चा इनके साथ ही रहता है। रोकी रजरा मोमी ने मैं भिवंडी कोर्ट में और सेशन कोर्ट में प्रैक्टिस करती हूँ। ये मेरा जो है क्लर्क है अदनान हमारे पास एक कंप्लेन थी अनम नाम की लड़की की तो उसके खिलाफ हम लोगों ने काफ़ी वो टाइम से मैटर चालू था और 11-15 NC भी हो चुकी है वो लड़के के खिलाफ में लेकिन कोई एक्शंस नहीं हुआ। तो मेरा असिस्टेंट था इसलिए वो उसको लेके जाता था पुलिस स्टेशन वगैरह जहाँ भी लगती थी। कल वो मेरे घर से गया है तकरीबन 9-10 बजे। उसके बाद सुबह से मुझे कॉल आ रहा है मैंने उसको 2-3 बार कॉल भी किया वो प्रॉब्लम में है। अनम ने मुझे ऐसे बताया पता चला अभी मैं जाके देखी तो उसको काफ़ी इंजरी है। वो मेरे क्लाइंट के हस्बैंड ने उसको काफ़ी मारा पीटा 4 लोग उसको लेकर गए चाकू को दिखाकर लेके गए वहाँ उसको काफ़ी कोई होटल के आगे वगैरह प्लॉट में लेके गए वहाँ उसको काफ़ी बुरी तरह मारे है उसकी आईज से भी ब्लड वगैरह आ रहा है। आई वॉन्ट स्ट्रिक्ट एक्शन टू बी टेकन अगेंस्ट दैट। वजह क्या है मतलब उन्होंने बताया क्या? वजह एंगर नेस है क्योंकि हम लोग उसकी वाइफ के जो मैटर है वो हम लोग चला रहे हैं हम लोग उसकी लॉयर है तो हम लोग ने उसके अगेंस्ट में काफ़ी कंप्लेन वगैरह भी फाइल किए हैं केस फाइल कर रहे थे NC लिखा है। वो मेरी क्लाइंट है ना आप उससे पूछो तो आपको ज़्यादा समझ। मैं और मेरे हस्बैंड का नाम नवीद है वो ना आज 2 साल से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ घर में मेरे साथ बहुत ज़्यादा मारपीट करते बहुत ज़्यादा और वही चीज़ को लेके NC वगैरह होता है। मेरी अम्मी तक को घर मेरी अम्मी के घर में घुस के अम्मी के ऊपर भी हाथ उठाए हैं तो मैंने डिवोर्स लेने का डिसीजन ले ली थी। तो अजरा मैम के पास अभी मेरा 3 महीने से केस चल रहा है तो वही अदनान मैम का एडवोकेट ही साथ में तो पुलिस स्टेशन जाना आना होता है तो वो पता नहीं क्या उसको सूझा कि अदनान को ले जाके और आज सुबह में मुझे भी किडनैप करने 2 बार ट्राई कर चुका है निज़ामपुरा पुलिस स्टेशन में वो भी उसके खिलाफ NCA। आज सुबह में मुझे भी ज़बरदस्ती कार में लेके जाने के लिए आया था तो उसके बाद ही मैंने अदनान को कॉल लगाई कि ऐसा ऐसा कर रहे हैं तो फिर अदनान सामने से अभी तक का मेरा सपोर्ट कर रहा था तो वो मुझे बोलने लगा तुम एक काम करो मतलब सुलहनामा करके चले जाओ। तो मुझे डाउट गया कि ये ऐसे क्यों बोल रहे हैं तो जाके मैंने मैम को बोली तो फिर ऐसे ऐसे करते मतलब हम लोग को पता चला कि अदनान उसके मतलब उसको उसने पकड़ के रखा हुआ है और अभी जब मैंने आज अभी यहाँ पे आके देख रही तो उसको इतनी बुरी तरीके से मारा हुआ है वो नवीद ने। MD लेता है वो नशे में रहता है वो बहुत नशा करता है। हाँ अदनान उसके पास मतलब हम लोग के पास रिकॉर्डिंग भी है बाकायदा अदनान बात कर रहा है। हम लोग का ना पुलिस स्टेशन में खुला हो गया है खुला हो गया है लेकिन है ना वो मतलब उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कि मतलब वो रखना भी नहीं चाहता है सर मुझे और घर ले जाके बहुत टॉर्चर करता है इतना मारता है ना कितनी बार उसके मेरे को वैसा मारा है कि हाफ मर्डर केस उसके ऊपर हो चुका है कुमारवाड़ा में।
मेरी अम्मी को मारता है, एमडी लेता है। आपको भी टूट गई, दूसरे लड़के की इधर हड्डी टूट गई, घर में घुस कैसे मारपीट करता है, कौन बच्चा बर्दाश्त करेगा, घर में घुस के मारपीट करेगा, बहन को मारेगा, कितना बर्दाश्त करेंगे हम लोग 2.5 साल से। पुलिस वाले लोग लेते भी है ना तो आधा एक घंटा बैठाएंगे, फिर उसको जामीन दे दो, ये दे दो करके छूट जाता है वो। और उसकी पहचान भी इतनी है ना भाई कि आपको क्या बताऊं, बहुत जल्दी से पुलिस वाले लोग सब पहचानते हैं, जहाँ जाओ ना सब पुलिस में उसकी पहचान है। डीसीपी सर के पास भी जा चुका है मैटर दो बार, हम लोग समझो 2.5 साल से। डीसीपी सर मतलब एसीपी जो वो रहते हैं इंचार्ज जो लोग रहते हैं ना, उन लोग के पास भेज देते हैं सर, बोलते हैं कि एक्शन लो, और फिर उसको बुला के वही समझा के भेज देते हैं कि अब नहीं करना, यही सब बोल के भेज देते। सर के पास भी गई हूँ ऑफिस में, वहाँ पे भी मदद मांगी, मेरे को मारा था पूरा, ये मेरा फूल गया था, ये सीने पे मारा था पूरा, ये इतना मेरा सब हो गया था, बताई थी मैं सर को वहाँ पर भी, सर भी मेरे को बोले कि डीसीपी सर को फ़ोन करके वहाँ भेज दिए थे, फिर वहाँ से भी बस ऐसे इधर उधर भेजते हैं, लेकिन हम लोग ऐसे भटक भटक के परेशान हो गए। अभी भी सर इसको मार के ना वो गायब हो गए, अभी उसको सर में बिंदास पुलिस वाले लोग का फोन करके डायरेक्टली बोलता है, पुलिस वाले लोग फोन करके हम लोग 24 घंटा पुलिस स्टेशन में, रात में 4 बजे तक हम माँ बेटी पुलिस स्टेशन में बैठे रहे, पता है आपको, लेकिन वो पुलिस वाले लोग फोन करके बोलते हैं, बुलाते ना तो क्या बोलता है, मैं यहाँ नहीं भाई कल्ला में हूँ, और जस्ट आधे घंटे में हम निकल के बाहर निकलते, हम लोग को ताबड़तोड़ रिक्शा में पकड़ लेता है, रास्ते में पकड़ लेते, बिंदास ऐसे पूरे पब्लिक जमा कर लेता, हम लोग का तमाशा बना दिया है कि मेरी औरत है मैं ले जाऊंगा, और जब घर ले जाता है ना तो मारता पीटता है।